जो आज तक बड़े से बड़े घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए वो यशस्वी जायसवाल ने कर दिखा दिया। आप सभी को बता दें कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह वो ना कर पाए इसे 21 साल 22 साल की उम्र में वो इस बल्लेबाज ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने 5वें टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का माथा चकरा गया। यहां पर कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर कुछ देर के लिए भरोसा नहीं हुआ। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने 5वें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। लेकिन यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 300 की पारी खेल डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने जा रहे हैं भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब 5वें टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया। इंग्लैंड के कप्तान ने गेंदबाजी इसलिए ली क्योंकि उन्होंने सोचा कि शुरुआत में ही हम भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर दबाव बना देंगे, क्योंकि 5वां टेस्ट मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं था, ये वर्ल्ड कप की तरह मैच था। और यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा फुदक रहे थे 5वें टेस्ट मुकाबले में, क्योंकि उन्हें पता था कि हम ऐसा लग रहा था उन्हें कि 5वां टेस्ट मुकाबला हर हाल में जीत लेंगे। लेकिन शायद उनकी सोच उन्हीं पर हावी हो गई और ये उनकी सोच काफी बड़ी भूल थी। आप सभी को बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में शानदार कवर ड्राइव, 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो वही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से अपना बल्ला घुमाना शुरू किया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 3रे ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के ठोक दिए और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके लगा दिए। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी विस्फोटक में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर कुछ देर तक रोहित शर्मा भी हैरान रहे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने इतनी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। यशस्वी जायसवाल ने 5वें टेस्ट मुकाबले के 12वें ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और 12वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 3 गगनचुंबती छक्के ठोक दिए। काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। खुद कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यशस्वी जायसवाल जिस अंदाज में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे शायद यहां पर हर किसी को एक सपने की तरह लग रहा था। कप्तान रोहित शर्मा भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 1 गगनचुंबती छक्का रोहित शर्मा ने भी ठोक दिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी कर रही थी, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान थे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी से। कुछ इंग्लैंड के गेंदबाज बार बार रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। इनकी बल्लेबाजी ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। यूं ही नहीं, इनका बल्ला इस कदर मैदान पर चलता रहा, इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धोते रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने 42वें ओवर के 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब यहां पर 49वें ओवर की 4थी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जब आउट हो गए। 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल 150 रन ठोक करके आउट हुए, जहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाजी की। लेकिन फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था शुभमन गिल। शुभमन गिल भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो पहले टेस्ट मुकाबले से ही अपना काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक कर चुका है। 4था टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी और पूरी तरीके से 99% वो मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन सुमन गिल ने अपनी दम पर भारतीय टीम को 4था टेस्ट मुकाबला जिताया था। हालांकि 5वें टेस्ट में उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा का बखूबी थोड़ी देर तक साथ दिया। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां पर उन्होंने चौके से शुरुआत की और 48वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 कवर ड्राइव चौके और 2 छक्के ठोक दिए। काफी बेहतरीन तरीके से
बल्लेबाजी कर रहे थे और यहाँ पर रोहित शर्मा का बखूबी साथ दे रहे थे। लेकिन अब रोहित शर्मा ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज थे टीम इंडिया की तरफ से, जिन्होंने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा पहले दिन ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे, तो वहीं 55वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके शुभमन गिल ने भी ठोक दिए, जहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन 58वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर 48 रन ठोक दिए, अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर रहे। जैसे ही शुभमन गिल जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए, एसएसवी जायसवाल आउट हुए, तो मैदान पर एक ऐसा बल्लेबाज आया जिसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान भी एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है। हालांकि वो 4th टेस्ट मुकाबले में 0 रन पर आउट हो गए थे, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले में इस बल्लेबाज ने रोहित शर्मा का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सरफराज खान ने यहां पर 62वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 1 गगनचुंबी 150 मीटर का छक्का ठोक दिया। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। अगर हम फिटनेस की बात करें तो सूर्य कुमार यादव की फिटनेस वो काफी बेहतरीन है, लेकिन रोहित शर्मा और सरफराज खान की फिटनेस में कोई अंतर नहीं है। दोनों की वेट और हाइट सेम है। यहां पर सरफराज खान ने बखूबी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के एक गेंदबाज ने सरफराज के लिए ताली बजाई, क्योंकि जब सरफराज खान ने 68वें ओवर के 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए। सरफराज खान भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान को खुला चैलेंज दे रहे थे। यहां पर रोहित शर्मा का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। जब 72वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर रोहित शर्मा, सरफराज खान और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कोई बल्लेबाज विश्व का फेल हो गया, क्योंकि यहां पर टेस्ट करियर में भारतीय टीम के किसी भी बल्लेबाज ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं ठोके होंगे। 72वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए इंग्लैंड के गेंदबाज का और कप्तान रोहित शर्मा ने करियर ही खत्म कर दिया। इतनी बेहतरीन, इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की इंग्लैंड के गेंदबाज को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार हम कप्तान रोहित शर्मा के आगे गेंदबाजी कैसे करें। 6 गेंदों पर लगातार इस बल्लेबाज ने 6 छक्के ठोक दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर अर्धशतक ठोक करके 52 रन ठोके सरफराज खान भी चल दिए, पवेलियन का रास्ता दे गए, क्लीन बोल्ड हो गए। जहां पर मैं आप सभी को बता दूं, सरफराज खान 82वें ओवर की 6ठी बॉल पर आउट हुए। 82वें ओवर के बाद यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज की एंट्री हुई। जी हां, हम बताने वाले यहां पर बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, जो गेंदबाजी से लेकर के फील्डिंग तक और फील्डिंग से लेकर बल्लेबाजी तक पूरी तरीके से बंदा ये 100% प्योर है। आप सभी को बता दें कि रविंद्र जडेजा ने आते ही मैदान पर छक्के से शुरुआत की और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया, तो वहीं रोहित शर्मा भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अभी भी कहर बरसा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा को आउट करने के लिए, लेकिन रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब यहां पर रविंद्र जडेजा 38 रन बना करके आउट हुए, अपने अर्धशतक से चूक गए, तो उसके बाद मैदान पर एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज है। 4th टेस्ट मुकाबला जब भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी, जहां पर शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने ही भारतीय टीम को 4th टेस्ट मुकाबला जिताया था। ध्रुव जुरेल ने 4th टेस्ट मुकाबले के 3rd इनिंग में 90 रन ठोके थे और 4th टेस्ट मुकाबले के 4th दिन 35 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जहां पर ध्रुव जुरेल की वजह से वो मुकाबला भारतीय टीम जीती थी। और यहां पर भी ध्रुव जुरेल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक तरीके से कहर बरसा दिया, जब रोहित शर्मा आउट है तो कुलदीप यादव ने 32 रन ठोक दिए। उसके बाद यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्र अश्विन ने 48 रन बनाए, जहां पर रविचंद्र अश्विन और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर भारतीय टीम ने वार्म अप में मुकाबला अपने नाम कर लिया। जो रियल मुकाबला है वो 7 मार्च को खेला जाएगा। आप लोग ईश्वर से दुआ कामना बना रहे कि हमारी भारतीय टीम 5वां टेस्ट मुकाबला जीते। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए।